हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है मैंने आज, और काफ़ी मसरूफ़ थी, हमें शादी वगैरह में जाना था, इसलिए तो बस आज मैंने अपना व्लॉग डाला। तो जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज हमने मंगवाया है जिंगर बर्गर, और यह है गौसिया रेस्टोरेंट का। गौसिया का बर्गर वैसे बहुत मज़ेदार होता है, और माइटी जिंगर से बस थोड़ा हिस्सा छोटा था, लेकिन बहुत टेस्टी था और बड़ा भी बहुत था। अभी आप ख़ुद देखेंगे, ये देखिए मेरा मुंह छोटा है और ये बर्गर कितना बड़ा है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है, और इसके फ्राइज़ भी बहुत ही क्रंची और कुरकुरे थे। तो बस हम मज़े से बर्गर खा रहे हैं, और आप लोग सुनाइए क्या हाल है आपके, कैसे जा रही है लाइफ। और लाइफ यकीनन बहुत बिजी जा रही है हर एक की, और बस जल्दी जल्दी हम अपना बर्गर ख़त्म करते हैं। और उसके बाद वैसे तो जंक फूड बहुत ही कम खाने चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है यार, कुछ नहीं होता। और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेके मैं बैठ गई थी, 5 बज रहे हैं इस टाइम, मेरे पास है बनाना और पीच। बाज़ार में आजकल बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार फ्रूट्स आए हुए हैं, लीची, स्ट्रॉबेरी, बनाना और मैंगो। मैंगो की तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार मैंगो आए हुए हैं। और जब तक मैंगो हैं खूब दिल भर कर खाइए, उसके बाद फिर 2 महीने के होते हैं वो फिर वहाँ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ लंच पे मैंने बनाई है पचमेल दाल, और साथ में खीरा काटा है और थोड़ी सी प्याज है, और साथ में मैंने दाल के साथ चावल नहीं बनाए हैं, पराठा बनाया है। दाल पराठा ही बहुत मज़े का लगता है। तकरीबन 3 बज रहे हैं इस टाइम, तो हम अपना लंच कर रहे हैं। लंच में बस यही है सिंपल सा। वैसे भी दोपहर में दाल चावल या दाल पराठा रोटी बहुत मज़े के लगते हैं, साथ में सैलड ज़रूर खाया कीजिए। और साथ साथ मैं हरी मिर्च भी खा रही हूँ, हरी मिर्च बहुत टेस्ट देती है स्पेशली दाल के साथ। और इसके बाद मैंने अपनी आईब्रो खुद बनाई थी, ये देखें कितनी फ्रेश और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। मैंने ट्विंकल रेजर से की हेल्प से अपनी आईब्रो खुद बनाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सेकेंड डे, और आज हमें मेहंदी में जाना है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। और इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैंने कहा लंच में जल्दी जल्दी हम यही बना लेते हैं। बनाया था शलजम टिंडे गोश्त, ठीक है, ये बहुत मज़ेदार टेस्टी बना था। और साथ में मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे, और रोटी नहीं बनाई थी आज मैंने, इसलिए ज़ीरा राइस के साथ गोश्त, शलजम और टिंडे बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, यानी आप लोग भी यकीनन बनाते होंगे, मुझे तो ये बहुत पसंद है ये डिश। तो बस ये बन चुका था, और हम अब अपना खाना निकालेंगे और खाना एंजॉय करेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ मैंने अपना खाना प्लेट में निकाल लिया है, और वाकई बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस लग रहा था ये टिंडे शलजम गोश्त। और इसमें हम चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है, और ये यम्मी बहुत मज़ेदार था। बस मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो चुका है, तो मैंने कहा अच्छा सोचा क्यों ना मैं फेशियल कर लूँ। और मेरे पास ये है स्विस मिस की फेशियल किट में से, ये है क्लिंजर, और ये बहुत ही अमेजिंग है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा। और इस तरह से हमारी स्किन बहुत ब्राइटन हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, बहुत अच्छी सी स्मूथ हो जाती है। तो बस ये है कि मैं फेशियल करती हूँ, और सारे स्टेप आप देखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, बल्कि ऐसा कीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ फेशियल कीजिए, और जो जो फेशियल के स्टेप मैं कर रही हूँ आप सारे वो फॉलो कीजिए, इससे आपकी स्किन एकदम ब्राइटन हो जाएगी और ग्लोइंग दिखेगी। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए एक से भले दो, तो हम मिलकर फेशियल करते हैं। वैसे तो मैं भी घर में मौजूद चीज़ों से ही फेशियल कर लेती हूँ, जैसे योगर्ट है, बेसन है, मुल्तानी मिट्टी और राइस फ्लोर। राइस फ्लोर और शहद में मिलाकर अगर आप 1 चम्मच बेसन डाल लेंगे, उससे अगर आप फेशियल करेंगे, तो यकीन माने आपका फेशियल बहुत ही अच्छा होगा, स्किन भी टाइट हो जाएगी और काफ़ी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। तो बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर से थोड़ा सा अवॉइड किया कि फेशियल करवाना।
क्योंकि पार्लर में ज़्यादातर ब्लीच क्रीम के साथ हार्श यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीच क्रीम डाल देते हैं, उससे स्किन हार्श हो जाती है और पिगमेंटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्किन का बेड़ा गरक हो जाता है। तो बस ये पार्लर भी जाए तो उनसे कहें बस लो क्वांटिटी में आप इसमें ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें अमोनिया एसिड होता है जो स्किन को बिल्कुल हार्श कर देता है और पिगमेंटेशन पैदा कर देता है स्किन पर, और कुछ लोग के तो दाने भी हो जाते हैं। तो भाई ये कोशिश कीजिए कि हर्बल चीज़ों से ही घर में फेशियल कर लें और किसी अच्छे पार्लर से करवाएं जहाँ से आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने गर्दन नेक पर भी मैंने क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाया है, जो भी क्लींजर है, और इसको मैंने अच्छे से इसका भी फेशियल किया है। और ये जॉ लाइन के अकॉर्डिंग जो हम फेशियल करते हैं, इससे हमारी जॉ लाइन बहुत फाइन हो जाती है, तो इसे भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया कीजिए। और इससे चिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से और इन्हेंस होके, हमारे फीचर्स इन्हेंस होके सामने आते हैं। और फेशियल में आँखों का स्टेप ज़रूर किया कीजिए, इससे आँखों की पफिनेस ख़त्म होती है, रिंकल्स ख़त्म होते हैं और जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी फाइन ख़त्म हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो बस ये है कि नेक को नहीं भूला कीजिए और एयर्स कान जहाँ जो जहाँ जहाँ जैसे आपके डार्क एरियाज़ आपको लगे ना, वहाँ आप क्रीम लगा के अच्छे से उसको उसको ब्लेंड कर सकते हैं और फेशियल कर सकते हैं। उसके बाद हैंड्स को भी इसी तरह से आप रब कर लें और उसके बाद जाके इसे रिमूव कर दें। और बिल्कुल नॉर्मल वाटर से जो भी आप जब भी फेशियल करें, उसके बाद आप जब भी वॉश करें तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, तो नॉर्मल वाटर से ही वॉश कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी स्किन हो गई है। और मैंने बस एक ही क्रीम यूज़ की थी, बस मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो जिससे मेरी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई माशाल्लाह। और बस ये क्या, हम अब मेहंदी के लिए तैयार होने जा रहे हैं और तकरीबन यहाँ 6 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पहले फेशियल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ पहले जो मुझे मेहंदी में पहनना है। ये देखें ग्रीन कलर का ये इसकी शर्ट है और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली है, और इसमें जो बेल लगी थी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, और ये 2 पांचे का गरारा है, ठीक है। और इसका दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें भी चारों तरफ लेस लगी इसी तरह की, जैसे शर्ट में लेस लगी है इसी तरह गरारे में भी लगी है। और ये है दुपट्टा, दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी है, और ये साइड में है, ये बारीक सी बेल है, ये भी बहुत प्यारी सी लगती है, लेकिन बहुत इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत थी और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा ड्रेस है। बस मैं ये जल्दी से वेयर करती हूँ और मिलते हैं हॉल में। और यहाँ हम हॉल में पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह ये देखिए मेरा ड्रेस कितना प्यारा लग रहा था और मेकअप भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ़ोटो सेशन करवा रही थी, वीडियोस बनवा रही थी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी पहनी थी इसलिए कि मेरी भांजी की शादी थी और तो तैयार होना तो बनता था, तो बस यहाँ प्यारा सा ड्रेस लग रहा था बहुत। और वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। तो बस इसी तरह मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। दूल्हा वाले अभी नहीं आए थे तो हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस क्लिक कर लें और तस्वीरें बना लें, तो बस यही हो रहा था।
सो फ्रेंड्स, यहाँ लड़के वाले आ चुके हैं तो हम उनका वेलकम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।